वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय तामसर्त पंगर मंद मतेर गतिमत् सर्वसपदाम भोज श्री राधा मदन मन दिपेद विंदारण्य कल्पद्रु माद श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थ श्री श्री राधा सिद्ध गोविंद भूपिष्ठादि विषय विमान स्मरामि श्रीमान रास रसारम्भि वंशी वस्तिष्ठित कर्षन विनु सुनर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुतन वृंदाय तुलसी देव प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्वत नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियादैत गदाधर शिव सदेशि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करो नानक नाम तेरा करो ना बरसा करो नानक नाम तेरा उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सागर हो सुख के
सहारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, मुझे प्राण से प्यारे मुझे प्राण से प्यारे हो, माला जपो तेरी मेरे दोस्त भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं संतों का सेवक हूँ, चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरण का दास हूँ, नाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram,
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ज्ञानतिमिरामुन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाळये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च
पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य कीप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नां वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जने दयावलोके हे भट्ट जुग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मतीर दयांग बराक। तमादि देवं करुणा निदानं तमाल वर्णं श्रुहिदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्त मनुपेतम अपेत कृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर श्री कंस को जो पता चला कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं तो उन्होंने पुतना को उन्होंने भेजा था। जब नंद बाबा कृष्ण जन्म लेने से पहले बड़ी उदास थे राज कार्य में, क्यों सोचते थे घर में तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, किसके लिए ये पैसा हम कमाएं। लोग जो पैसा कमाते हैं अपना बच्चों के लिए, बल्कि बच्चे तो कोई है ही नहीं। लेकिन घर में जब कृष्ण जन्म हो गए नंद बाबा का मन में तो बड़ा हिल्लोड़ खिलने लग गया। लाला बड़ा होएगा, लाला का शादी होगी, घर में बहू होगी, फिर नुपुर बांध करके छमछम करके घर में घूमेगी, हैं? फिर तो राज्य की जरूरत है। उन्होंने बड़े दिनों से जो बड़ा राजा वहाँ के मथुरा के कंस उनको उन्होंने कर नहीं दिया था। उन्होंने देखा शुभ काम में बड़ा बाधा है,
पहले ये कंस का मुंह को पहले बंद करनी चाहिए, इसलिए नंदा बाबा ने दूध दही मक्खन घी लेकर के कर रूप में मथुरा में गए थे कंस को देने के लिए। जब उन्होंने कंस को दे करके श्री वसुदेव महाराज भाई लगते हैं, इसलिए उन्होंने भाई को पास में गए उनको हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन श्री वसुदेव महाराज अंदर अंदर में बड़े प्रसन्न, क्योंकि उनको पता है मेरा जो बेटे को मैंने राता रात मैंने गोकुल में पहुंचा दिया, लेकिन ये बात कंस को पता ही नहीं, मेरे बेटा सुरक्षित है। लेकिन कंस श्री वसुदेव महाराज गुप्त चरण को द्वारा पता लगा रहे थे कंस का नेक्स्ट प्रोग्राम किया है, कंस क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उनको पता चला कंस पुतना को उन्होंने भेज दिया। उन्होंने नंद बाबा को बोले, नंद बाबा यहाँ पर ज्यादा समय तुम मत रुका करो, तुम जल्दी जल्दी चले जाओ गोकुल में, क्योंकि वहां पर अनहोन हो सकता है। इतने में श्री नंद बाबा ने उन्होंने नारायण नारायण हे नारायण तुम्हारी कृपा से ही बूढ़े उम्र में मेरे को एक लाला मिलो है, इसलिए ये लाला को तुम ही रखा करना, ठाकुर का नाम को लेकर के नंद बाबा जल्दी जल्दी गोकुल में आ रहे थे, और हठात उन्होंने आकर के देखा पुतना मरी है। ये पुतना बद देख करके नंद बाबा ने कहा, भैया ये वसुदेव तो बड़ा ज्योतिषी है, इसको सब बात पता है, सचमुच से वो बोल रहा था गोकुल में कोई विपत्ति पड़ सकती है। फिर उन्होंने देखा वो मैं था नहीं ना, इसलिए ये पुतना घर में घुस गई, अगर मैं रहता था ये बात नहीं होता। इसलिए नंद बाबा ने बड़ी कड़ी पहरादार लगा दी, बोले देखो आज से एरे गेरे ऐसे तैसे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करो, अगर कोई मिलने के लिए आए ना कड़ी पहरादार लगा दी, जब तक जसोदा ने तो मेरा आदेश नहीं हो जैसे घर में कोई प्रवेश नहीं कर पाए, कड़ी पहरादार लगा दी। इतने में श्री भोले बाबा शंकर जी, इनको जो पता चला मेरे प्रभु ने जन्म ग्रहण कर लिया है, गोकुल में जन्म हुए, मैं तो प्रभु का सारे लीला देखा है, लेकिन वो परम ब्रह्म परात पर होते हुए भी, लेकिन जब उनको भूख लगता है ना कृष्ण रोते हैं, फिर मैया जसोदा दूध पिलाती है, जब उनको मच्छर काटता है मच्छर भगा नहीं पाते हैं, हैं? अगर उनको चलना हो जिनकी कृपा से ही बल जस मरेत पुंडरीक अक्षम स बाह्या अभ्यंतर सूची, कहते ये जिनका नाम लेने पर जीव भव सागर से पार हो जाते हैं, अगर उनको चलना होना मैया जसोदा अंगुल पकड़ करके उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखा दी, तो ये लीला तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसलिए प्रभु की लीला हमें दर्शन करनी चाहिए। श्री भोले बाबा बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में पधारते हैं, श्रृंगार उनका क्या है, शरीर में कोई स्नो पाउडर है ये सब चीज नहीं लगाते, शरीर में बभूति लगाते, कहाँ के शमशान की बभूति, क्योंकि शंकर जी गुरु है, गुरु होने का नाते दुनिया को शिक्षा देते हैं, तुम जिस शरीर को इतने प्यार करते हो दिन भर केवल उनको श्रृंगार में उनका सजावट में दिन भर उसकी सेवा में तुम लगे रहते हो, जिस शरीर का परिणाम क्या है, एक मुट्ठी राख है और कुछ है ही नहीं, इसलिए गले में शंकर जी की हड्डी, इसलिए शरीर में उन्होंने कोई चंदन नहीं लगाया, चंदन क्यों नहीं लगाते हैं, कहते शंकर जी वैष्णवानाम जथा संभो, बल जो चंदन अगुर जितने बढ़िया बढ़िया चीज तो मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए कृष्ण के लिए राम के लिए, मैं तो उनका सेवक हूँ, अगर मैं चंदन लगाऊ ना मेरे भक्त सारे चंदन ला करके सब मेरे सर में डालेंगे, हाँ मेरे सर में डालेंगे, इसलिए चंदन तो केवल, इसलिए भगवान को जब स्तुति करते हैं ना क्या स्तुति करते हैं, कौन सा स्तुति है, इसलिए चंदन चर्चित नील करे कलेवर, इसलिए चंदन चर्चित भगवान चंदन को द्वारा भगवान को चंदन को द्वारा श्रृंगार करते हैं, इसलिए भगवान की सेवा के लिए
इसलिए मेरे सेवा के लिए नहीं, कोई शंकर जी के सर पर कोई जुई बेली चमेली ये सब फूल नहीं चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? धतुरे और आकंत का फूल। बोले क्यों? बढ़िया बढ़िया फूल शंकर जी स्वीकार नहीं करते। बोले कारण ही कि जितने सुंदर सुंदर फूल प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ से बांध लग गया है। अगर मैं सुंदर सुंदर फूल अगर मैं ग्रहण करूंगा तो सारे फूल तो मेरे भक्त लोग मेरे सर पर डालेंगे। इसलिए जंगल में अपने आप जो हो जाता है, इसलिए धतुरे और आकंत का पेड़ को कोई नहीं लगाते। कोई लगाता है? कोई नहीं लगाते। जंगल में अपने आप जंगल में होता है। शंकर जी वो चीज वो शंकर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए शंकर जी गले में कोई सोने की हार नहीं पहनते हैं, कोई सोने की चैन नहीं पहनते हैं, कान में सोने की कोई कुंडल नहीं, सोने का कोई मुकुट नहीं। किस चीज की? बोले सारे सर्प है। कहती ये सर्प कौन है? बोले श्री अनंत देव है। इसलिए अनंत देव शंकर जी के गुरु है, इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं। अगर श्रृंगार करना है तुम्हें, किस चीज की श्रृंगार करो? गुरु जी की उपदेश को है, गुरु जी की आदेश उपदेश को ही जीवन में श्रृंगार बनाओ। इसलिए बोले ध्यान मूलम गुरु पदम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, पूजा मूलम गुरु ध्यानम। इसलिए बोले, इसलिए ध्यान करना तो गुरु जी के चरण को, पूजा करना तो गुरु जी के चरण को, मोक्ष प्राप्त भी गुरु जी की कृपा से ही होता है। इसलिए उन्होंने गुरु को श्रृंगार अपना जीवन में, गुरु ही जीवन का श्रृंगार होनी चाहिए। शंकर जी ये चीज को शिक्षा देते हैं। इसलिए शंकर जी कोई रेशमी है बस, इसलिए कोई रेशमी कोई सुंदर सुंदर साड़ी शंकर जी धारण नहीं करते हैं, व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं शंकर जी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने संयमता को ही उन्होंने शिक्षा प्रदान किया है। इसलिए से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शंकर जी वैष्णव है। वैष्णव लोग करते हैं क्या? वैष्णव लोग क्या करते हैं? वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। क्यों? जैसे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो क्या करते थे? जहाँ पर बैठ कर भजन करते थे वो मछली की कांटा को चारों तरफ में बिछा देते थे। बोले क्यों? लोग ये समझे बाबा मछली खाते हैं और मेरे पास में नहीं आएंगे, नहीं तो क्या करेंगे दुनियादारी लोग क्या करेंगे। उस समय में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सारा दुनिया का लोग आकर के मेरा बेटा कैसे हो गया, मेरी बेटी कैसे हो गई, बेटा की शादी नहीं हो रही, बेटा का नौकरी नहीं। दुनिया लोग आकर के कोई भक्ति का तो बात पूछेंगे नहीं, दुनियादारी बात करके हमें भजन करने नहीं देंगे। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मछली कांटा को बीच में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो कहाँ भजन करते थे? पायखाना के अंदर में। जो पुराना पायखाना कोई नहीं करते हैं पड़ा हुआ, उसी घर में जाकर के दरवाजा बंद करके चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। और कोई आकर के बोले ना दरवाजा खोल दो, बोले मेरा शरीर अस्वस्थ है उठ नहीं पा रहा। लेकिन कोई वैष्णव आकर बोले ना हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब जब बोले हम प्रभुपाद कृपा पात रहे हैं, गुरु जी के आदेश से आपको दर्शन करने आए और प्रभुपाद का कृपा पात्र हो, तो खड़े होकर दरवाजा खुला और उनका आशीर्वाद भी दिया है, हैं? इसलिए शंकर जी कौन है? परम वैष्णव है। वो अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं, इसलिए बर्फ होकर बड़े जाकर बैठे हुए कैलाश में। कोई आएगा नहीं मेरे पास में, है कोई आएगा नहीं, निश्चिंत में बैठ करके देखना शंकर जी की जो मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है हर समय।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महिषा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। इसलिए शंकर जी हर समय पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, पंचमुख में हर समय प्रभु की नाम को गान करते रहते हैं। शंकर जी भगवान की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, जगन्नाथ जी कथा को है। इसलिए पद्म पुराण में देखना जगन्नाथ ही पार्वती, शंकर ही पार्वती को ये पूरी की महिमा जगन्नाथ जी कथा पार्वती को सुनाते। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए तो कोशिश किया, लेकिन शंकर जी छुपा नहीं पाए। बोले क्यों नहीं? बोले उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु श्री शंकर जी को पास में। बोले कौन है? बोले इनके जटा में फतीत पावनी श्री गंगा देवी। बोले श्री गंगा देवी की जय। इसलिए वो अपने आप को उन्होंने छुपा नहीं पाए शंकर जी। इसलिए शंकर जी सुंदर श्रृंगार करते हुए अलग निरंजन करते हुए गोकुल में पहुंच गए और वहां पर कृष्ण को दर्शन करना चाहते थे। वहां पर एक दरबान था। बोले मैंने सुना है, शंकर जी बोले नंद के एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरा का भयो है? तेरा का भयो है? बोले थोड़ा दर्शन करा दो, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना गई थी, वो तो बड़ी सुंदरी थी, सज धज करके आई थी और तू तो देखने में, तेरे को देख करके मेरे को ही डर लग रहा है। हमारे लाला के ऊपर में तो जल्दी जल्दी नजर लग जाता है। भैया दर्शन दर्शन नहीं होगा, जो कुछ भिक्षा लेना सोना चांदी लो, अपना रास्ता देखो। उनने जा करके मैया जसोदा को बोल दी। जसोदा आकर के बोले बाबा क्या बात है? बोले मैया लाला को एक बार दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले नहीं, मेरे लाला को नजर लग जाएगा और तू देखने में तो बड़ा डर लग रहा है, और कुछ दिन पहले पुतना आई थी इसलिए हम लाला का दर्शन नहीं होगा। शंकर जी बोले दर्शन नहीं कराओगे? बोले नहीं, बोले दर्शन नहीं कराओगे ना यही त्रिशूल गाकर बैठ जाता हूँ, जब तक दर्शन नहीं कराओगे तब तक जाऊंगा नहीं। बोले बैठ जाओ, बैठ जा। जब शंकर जी बोले कभी तो आएगा बड़ा होने पर दर्शन करूंगा। बोले चार दरवाजा हमारी है, इधर बैठ जा लाला, दूसरे दरवाजा जाएगी। बोले मैं चार मूर्ति लेकर बैठ जाऊंगा। बोले 11 दरवाजा हमारे। शंकर जी बोले हम 11 रुद्र है, 11 रुद्र, हम 11 दरवाजा में बैठ जाऊंगा, कहीं भी लाला निकले तो दर्शन करूंगा ही। फिर तो शंकर जी वहीं पर बैठ करके भगवान को ध्यान लगाया। भगवान को उन्होंने पुकारे, बोले हे कृष्ण कन्हैया, हे प्रभु जी, आपका सारे लीला तो मैंने दर्शन की है, लेकिन आपका बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन नहीं किया। इतने दूर से मैंने आया है, एक बार दर्शन दे दो प्रभु। जो उन्होंने खूब ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना किया। भगवान बड़े भक्त वत्सल है, भक्तों को दर्शन देने के लिए शंकर जी श्री कृष्ण रोना शुरू कर दिया और जितने थपथप लगा करके उनको समझाने के लिए कोशिश करी उतना ही जोर जोर से रो रहे थे। पूरा परिवार दंग रह गया। बोले क्या हो गया लाला को, आज रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है? एक गोपी ने बोले मैया वो जो बाबा है ना वहीं को ही बैठा हुआ है, कहते लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो कहते यहाँ से हटूंगा नहीं। हाँ वो तो कहता मैं यहीं पर बैठे रहूंगा, लगता है वो आंख बंद करके ना लाला को ऊपर कोई जादू टना कर रहा है, जाओ कर दर्शन करा दो। फिर मैया ने काले कपड़े ओढ़ करके काला बिंदु लगा दिया, मोटी मोटी काजल लगा करके लाए। बोले बाबा तू बड़ा अखड़ हो, ले दर्शन कर। केवल एक बार उन्होंने कपड़ा को हटा करके दर्शन कराया। शंकर जी दर्शन करके कृत कृत हो गए। अभी तक तो शंकर जी रो रहे थे, शंकर जी हंसना शुरू कर, हंस रहे थे रोना शुरू कर दिया, कृष्ण रो रहे थे हंसना शुरू कर दिया। मैया को लगा ये बाबा जानता है कुछ मंत्र, क्योंकि ये लाला का तो रोना ले लिया अपना हंसना दे दिया है, ये कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले ये कुछ जादू टोना जानता है, घर जाएंगे हाथ देखो के देखो तो क्या होने वाले संसार, क्या होगा, बेटा बेटी शादी होगी नहीं, कैसे बहू आएगी, बेटे का नौकरी फकीर लगेगी नहीं, सब घर गए। बोले बाबा तेरे कोई जादू टोना आता है कि नहीं? बोले और क्या? बोले हमारे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी नजर लग जाता है, कुछ व्यवस्था कर सकते हो? बोले क्यों नहीं, एक काम करियो, जब लाला को स्नान कराओगे जो चरणामृत है ना मेरे सर पर डाल देना,
बोले ठीक है बाबा, बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और ये काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बताओ, जब तुम्हारे लाला को भोग लगाओगे जो प्लेट में जो प्रसाद मेरे को दे देना। बोले ठीक है कर दूंगा। अभी भी नंदगांव में भगवान की चरणामृत और भगवान का प्रसाद सबसे पहले श्री शंकर जी के पास में जाएंगे। जैसे पुरी में जगन्नाथ जी का प्रसाद माता विमला देवी के पास में जाती है, हैं? यहाँ महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए वैष्णवी, ये वैष्णवी शंकर जी वैष्णव है, इसलिए शंकर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न। क्यों? शंकर जी के सर को बर में ये गंगा पानी क्यों डालने जाते हैं? गंगा भगवान की चरणामृत है, इसलिए कृष्ण का चरणामृत गंगा है। इसलिए शंकर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान के चरणामृत भगवान का प्रसाद। इसलिए शास्त्र में बताया शंकर जी को कभी भी कोई डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए। कहते शिव पुराण में कहते हैं शंकर जी को जो डायरेक्ट भोग लगाकर खाना खाएगा अगले जीवन में कुत्ता जन्म लेना पड़ेगा उसको। इसलिए शंकर जी को कभी डायरेक्ट कोई चीज भोग नहीं लगाओ, पहले जगन्नाथ जी को, कृष्ण को, राम को, नारायण को भोग लगाओ और वो प्रसाद श्री शंकर जी को। तो शंकर जी प्रसन्न, फिर महा महा प्रसाद उसका महिमा महत्व बढ़ जाता है। बोले श्री भोले बाबा की, बोले श्री शंकर की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। कोई भजन गालो बोले दे मन से वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे जुके नाम मिलेंगे कुंज बिहारी और के काम रतारी। आ मिलेंगे कुंज बिहारी और के काम रतारी। जमुना में जाएंगे सफल बनाएंगे। Thank you.
अभी 3 महीना के हो गए। जब 3 महीना होता है बच्चा का, उस समय बच्चा करवट लेता है। जब कृष्ण ने करवट लिया, कृष्ण श्री किसका बेटा? राजा धीराज श्री नंद बाबा की बेटा है। और ये बुढ़ापा में ये संतान हुआ, इसलिए नंद बाबा मैया जसोदा हर समय सुजग ढूंढते थे, कोई एक सुजग मिले और लाला को उपलक्ष्य करते हुए घर में उत्सव हो। कृष्ण जब करवट लिया, मैया जसोदा, पहले क्या नियम, पहले हर चीजों में सब बैठ करके हरि कीर्तन करते थे। जो कुछ होता था, शादी विवाह जो कुछ हो, घर के सब बुला बुला करके, कभी लोग बैठ करे, कभी माताएं बैठ कर कीर्तन करती थी। मैया जसोदा ने सबको नौता दे दिया है, निमंत्रण दिया, आज मेरे लाला ने करवट लिया, आज इसको ऊपर लिखे में घर में हम कीर्तन करेंगे। मैया ने अपना आंगन को साफ सुथरा कर दिया, जितने दूध दही लेकर के बैलगाड़ी के ऊपर रख दी, और कृष्ण को उन्होंने हल्दी तेल लगा करके खूब मलमल करके शरीर में लगवाया, स्नान कराया और उनको भोजन करा के उसको दूर में बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया। बोले क्यों? बोले अभी कीर्तन होगा,
सब आसपास अड़ोसी पड़ोसी गोपियां आएगी, कीर्तन करेगी। अगर बच्चा अगर नींद अगर टूट गया तो रोएगा, अभी बच्चा को संभालो ना ये उत्सव को मैं संभालू। इसलिए कृष्ण को उन्होंने बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। अभी ब्रज गोपियां सब बैठ करके कृष्ण की बाल्य चरित्रों को बड़े सुंदर रूप में सुंदर सुंदर ब्रज का भजन, ये सूरदास ने बड़े सुंदर उन्होंने कृष्ण की बचपन का बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने भजन लिखा है सूरदास का। दो चार भजन सीख लेना है, कैसे कृष्ण मैया मैया कह के कैसे उन्हें सबसे पहले उन्होंने उनको मुंह से कैसे मैया शब्द निकले है, सबसे पहले कृष्ण के मुंह से जो शब्द माँ शब्द है सबसे पहले, पहले उसको बाद में फिर पिताजी का शब्द निकला, उसको बाद में फिर भैया बलदेव प्रभु का निकला। इसलिए जिस समय कृष्ण का मुंह से माँ शब्द निकला इसको सुन करके मैया इतने खुश हो गई, क्योंकि हर माताओं के दिल में माँ है ना। अब देखना माँ बोलते मुंह खुल जाता है माँ, क्योंकि मैया दूध पिलाती है, मैया खिलाती है, मैया खिलाती है ना, इसलिए माँ बोलते ना मुंह खुल जाती है, क्योंकि मैया उनको कुछ खाना खिलाएगी। ये माँ शब्द सुन करके मैया की रोम रोम खिल उठा है सुंदर उनकी। ऐसे ही मैं अभी सब बैठ करके बड़े सुंदर कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल्य चरित्रों को गान कर रहे थे, जब कीर्तन कर रहे थे इतने में कृष्ण को जो दूर में लेटा कर रखा था ना, अभी कृष्ण का नींद खुल गया, नींद खुल गया तो बोले मैं कहाँ लेटा कर रख दिया, वहां पर मेरा हो रहा है उत्सव मेरे उपलक्ष्य में और भजन हो रहा है मेरा और उत्सव मेरे और मेरे को देखो कहाँ दूर में लेटा कर रख दिया। अरे मैं तो इसलिए ये गोलोक वृंदावन छोड़ करके आया हूँ, क्यों, अपना कथा सुनने के लिए, अपना भजन सुनने के लिए। अब देखना एक सुंदर छवि है, जब सूरदास जी कृष्ण का भजन गाते हैं कृष्ण स्वयं सामने बैठे करके अपना भजन को कृष्ण स्वयं सुनते हैं, क्यों, सबसे बड़े श्रोता कौन है, ठाकुर जी। कृष्ण कथा हमें तो अच्छी लगती है लेकिन सबसे अच्छी किसको लगती है, जगन्नाथ जी बलदेव प्रभु को, सुभद्रा देवी को, इनको इनकी कथा जितनी इनको अच्छी लगता है दुनिया में और किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहीं अगर कथा हो हैं कहते श्री ठाकुर जी वहां पहुंच करके अपना कथा का रस आस्वादन स्वयं ठाकुर जी स्वयं करते हैं, मतलब कथा की इतने महिमा, सारा दुनिया देखना कथा में बचा हुआ है, सारा दुनिया कथा में बचा हुआ है, तो जितने भगवान की सुंदर कथा सुनाते हैं देखना उसका महिमा जगत में उतना ही है, इतने बड़ी महिमा दुनिया में और किसी को नहीं हो सकता है, जितने भगवान की कथा को द्वारा देते हैं, कितने राजा पूज्यते राजा स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान पूज्यते सर्वत्र हैं, इसलिए राजा अपना देश में इसकी पूजा होती है लेकिन विद्वान का सर्वत्र पूजा होता है, इसलिए भगवान की कथा सब नहीं बोल सकते, जो भाग्यवान व्यक्ति वही भगवान की कथाओं को वही बोल सकते हैं। अभी कृष्ण का मन में इच्छा हो रही है, क्या इच्छा हो रही है, भैया मैं भी तो जाकर के अपना थोड़ा कीर्तन तो सुनूं, मैं तो आनंद लू, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना, 3 महीना, आज ही कृष्ण करवट लिया, अभी कृष्ण को घुटन पर भी चलना नहीं आता है, कहते बाला नाम रोदन वाला, बच्चों का बल क्या रोना, बच्चे अगर रोए मैया को पता चला लाला को भूख लगी, मैया फिर बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए कृष्ण ने सोचा जोर जोर से थोड़ा रो लूं फिर मैया मेरे को यहाँ से उठा करके ले जाएगी। कृष्ण तो बड़ी जोर से वाह 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 करते करते रोए, लेकिन मैया तो लेन देने में लगी हुई थी, मैया को कान में रोना की आवाज नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो कृष्ण ने देखा इतना रो लिया कब तक रो, थक गया रोते रोते। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा किया, कंस ने वहां से उन्होंने एक तृणावर्तरा दैत्य को भेज दिया, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, कभी लोमर्ष ऋषि की बगीचा में प्रवेश करते हुए उनकी बगीचा को तोड़ फोड़ दिया तो ऋषि ने अभिशाप दिया, इसलिए भगवान तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए संतों की बाग को उजाड़ने के लिए जा, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है वो शरीर नहीं रहेगा, सचमुच से देखते उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गई उसकी,
इतने में संत ऋषि के चरण में गिर पड़े। संत बड़े कृपालु दयालु होते हैं। बोले ठीक है, जब कृष्णा द्वापर युग में जन्म ग्रहण करेंगे भगवान के चरण स्पर्श से मुक्ति हो जाएगी। अभी कंस ने उत्तीर्णा व्रत को भेज दिया, बोले जाओ कंस को मार करके आओ। इतने में त्रिणा व्रत आ गया, बोले कृष्ण कहाँ पर? देखा बैलगाड़ी को नीचे कृष्ण लेट हुए, उसका तो शरीर था नहीं, वो बैलगाड़ी के ऊपर में उन्होंने उसके ऊपर में सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबाते दबाते में पूरा कृष्ण को दबा दूंगा। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा जी आ गए, कुछ तो व्यवस्था करेंगे हैं, क्योंकि कंस मामा है ना, उनका संबंध सब मामा लगते हैं, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे जब दबाने लगा ना कृष्ण, केवल 3 महीना कृष्ण है। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, कृष्ण के चरण में आंगुल में कितना ताकत है, उतना वध में क्या दिखाया कृष्ण के होठ में कितने शक्ति, और यहाँ पर दिखाएंगे कृष्ण की अंगुल में कितना ताकत है जब कृष्ण केवल 3 साल के। इसलिए कृष्ण को भगवान पूर्ण ब्रह्म क्यों बताया गया, कारण क्या है? राम मारे सबसे पहले ताड़का को, मारे कितने उम्र में? मारे बड़े होकर के, 12-13 साल में जाकर के जब विश्वामित्र ले गए तभी जाकर के मारे। पुतना को कृष्ण कितने दिन में मारे? 6 दिन में। सगड़ासुर को कितने दिन में मारे? 3 महीना में। इसलिए कृष्ण का जो पराक्रम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, ये चीज को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। कृष्ण कैसे ये पूर्ण ब्रह्म, कैसे कृष्ण, कृष्ण अपना कोमल चरण को चलाते चलाते इसे ठोकर मारे, पूरा गाड़ी पलट गया, दूध दही सारे बिखर गई और सारे को सारे तसनस हो गया। गोपियां दूर में बैठ करके कीर्तन कर रही थी, भागते भागते आई, कोई आंधी तूफान है नहीं, गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे, गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे गाड़ी। इतने में छोटे छोटे सखाओं ने देखा था, बोले मैया मैया हम बताएं। बोले क्या 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 बताओ? बोले कृष्ण की चर 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 चरण की ठोकर 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 से ये गाड़ी गाड़ी पलट गई। मैया की पागल हो गया, अभी लाला 3 महीना की और इतना बड़ा बैल गाड़ी है और कृष्ण के चरण से गिर पड़ा, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर गोपियों ने कृष्ण को वहां से ले गए, लेकर के कीर्तन को बीच में लेटा दी, लेटा करके बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग का, आ गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, आ गोकुल में आयो गोपाला, गोकुल में आ गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग, आ चरमर कर पलना, चरमर कर पलना, ब्रजवासी गाए जियो ललन, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पगड़ी जियो तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी, गिरी जलती पोरे लाडू पुआ, यशोमती घरे आनंद हुआ, यशोमती घरे आनंद, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला,
तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो नंद लाला तेरी तेरी पगड़ी मतरो काना हुआ मतरो काना हुआ समझा दे तो नंदा बुआ समझा दे तो नंदा जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला इले तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो नंद के लाला की पास कृष्णा जब कीर्तन सुना खुश हो गए बोलते मैं यही चाह रहा था पहले से अगर ले आता तो मैं इतना थोड़ी नटखट करता चुपचाप होकर बैठ रहा मेरे को लाया नहीं इसलिए मैं इतना नटखट यहाँ शिक्षा देते हैं कृष्ण ऐसे क्यों किया है इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं इस लीला को तेरा शिक्षा दिया कर देखो मैं रहते हुए जब मैं सर्व संपत्ति का मूल मैं हूँ इसलिए जगत में सबसे बड़े धनी कौन है कृष्णा प्रेम जार से ही बड़ा धनी जगत में वही सबसे बड़ा धनी जिसको पास में कृष्णा प्रेम रूपी संपत्ति हो और कृष्णा प्रेम रूपी में सच संपत्ति रहते हुए लेकिन मेरे को क्या किया मैं जो असली संपत्ति में मेरे को तुम लोगों ने अलग कर दिया घर से निकाल दिया कहाँ लेटा दी मतलब बैलगाड़ी को पीछे और घर का जितना सामग्रियों को कहाँ पर रख दिया बैलगाड़ी के ऊपर में इसका मतलब है जहाँ हम व्यवहार की वस्तु को ऊंचा कर दे और जो असली धन भगवान की संपत्ति प्रेम संपत्ति कृष्ण है उसको नीचे लेटा दिए और निकाल घर से बाहर निकाल करके लेटा दी इसलिए और जितने सारे दूध दही को ऊपर रख दिया फिर इसलिए कृष्ण इसे ठोकर मारे सब तसनस कर दी कृष्ण से क्या देते हैं अगर कोई है मेरे को अगर गौण करके ये सांसारिक वस्तु का अगर मुख्य कर दोगे ना इसलिए उसका नाम होता उत्सव उत सब इसलिए उत मतलब निकाल देना जब कोई चीज हो जिसे अगर भगवान को निकाल दिया तो क्या रह जाएगा बोले सब सब मतलब मृत शरीर मरा हुआ वस्तु रह जाएगा अगर भगवान की भक्ति से अगर कोई चीज से अगर प्रभु की भक्ति को अगर निकाल दिया तो कहते भूतों का नाच है वहां भगवान की अगर कीर्तन नहीं हो हैं भगवान को निकाल दिया तो भूतों का नाच रह गया इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं सर्व संपत्ति का जो मूल मैं हूँ मेरे को ही अपना संपत्ति बना के रखो बस मंगल भवन अमंगल हरी है अभी कृष्ण जब कृष्ण जैसे बच्चे होते हैं ना जब कृष्ण बच्चे करवट लेते हैं देखना बच्चे कोई भी चीज देखेगा वो पेट की घिसते घिसते सर्प जैसे घिसते 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 कृष्ण क्या करते हैं कोई चीज को पकड़ना चाहते हैं बच्चा कोई चीज को पकड़ना चाहते हैं अभी कृष्ण घर से बाहर निकलना चाहते हैं अभी कृष्ण चंचल हो गए क्यों अभी करवट ले लिया ना अभी हर घर घर में पहले दहली होता था पहले राजा लोगों का दहल तो बड़े बड़ा होता था इसलिए कृष्ण घर से बाहर निकलना चाहते थे इसलिए पेट के सहारा से घिसते 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 वो दहली के ऊपर में आए जो दहली के ऊपर में आए अभी दहली तो ऊंचा था कृष्ण तीन महीना के बाहर आधा और भीतर में आधा कृष्ण तो लटक गए अभी इधर नहीं आ पा रहे उधर नहीं जा पा रहे और कृष्ण ऐसे लटक हुए उसी समय में श्री नारद जी लोमहर से ऋषि को लेकर के दर्शन करने के लिए आए नारद जी बोले चलो हम प्रभु को दर्शन करके आएंगे प्रभु गोकुल में लीला कर रहे हैं जब आए देखा भगवान लटक रहे हैं बोले लटकत भगवान भगवान लटक रहे हैं हाँ झूला जैसे लटक रहे हैं और कृष्ण रोने लग गए अब ये लीला को देख करके नारद जी बड़े जोर से हा 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 करते करते बड़े जोर जोर से हंसे फिर थोड़ी देर बाद में फिर रोना शुरू कर दिया लोमर से ऋषि बोले प्रभु आप पहले तो हंसे फिर ये बाद में रोए क्यों क्यों हंसे क्यों रोए क्यों बोले इसलिए मैं हंस रहा था भक्तों का सौभाग्य को दर्शन करते हुए है इसलिए जिनका नाम लेने पर जीव भव सागर से पार हो जाता है क्या भगवान दहल को पार नहीं कर सकते फिर लटक क्यों रहे कहते अपना लीलाओं को द्वारा भक्त इसे लीलाओं को देख करके इसी में ही डूब जाते हैं देखो प्रभु कितने प्यारी प्यारी मिष्ट मिष्ट मीठी मीठी
प्रभु कैसे लीला चिंतन करते हैं, भक्तों का भव सागर से पार हो जाते हैं इसी लीला को स्मरण करते करते। भले रो रहे थे क्यों, भले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख करके। ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, भगवान निराकार है, भगवान निर्विषय से है, भगवान को रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं। तो भगवान का लीला तो माई की है, भगवान की लीला को वो माई की समझते हैं। वही ब्रह्मा, ब्रह्मा तो मूल है, वही ब्रह्म को अभी माया पकड़ लिया है ना, इसलिए अभी राम कृष्ण बन करके आए। और इनकी जब मुक्ति हो जाएंगी ये क्या करेंगे, ये भी जाकर के ब्रह्म में, राम कृष्ण जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कभी इनका ये मायावादी फिलोसफी है, इसलिए मायावादी लोग प्रभु की ये सुंदर लीलाओं का स्मरण नहीं करते हैं। इसलिए उनकी दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे हैं। जब कृष्ण बड़े हुए, एक दिन कृष्ण, अभी मैया जसोदा एक दिन कृष्ण को ऐसे हाथ में लेकर के, जैसे माताएं क्या करते हैं ऊपर फेंकते हैं पकड़ते हैं, ऐसे ऊपर फेंकते हैं पकड़ते हैं। कृष्ण ने देखा क्या मैया कर रही है, मेरे को ऊपर पकड़ रही है, फेंक रही है, पकड़ रही है, फेंक रही है, पकड़ रही है। अरे मैं तो चाहता हूँ मैं कुछ दिन को बाद में क्या करूँगा, घर घर में मक्खन चोरी करूँगा। अरे कम से कम तो देख लूँ किधर रोड में जाऊँ, किधर आऊँ, हैं। इसलिए अगर कोई एक एरोप्लेन हो जाता है ना, थोड़ा ऊपर में घूम करके, हाँ घूम घाम करके नीचे थोड़ा आ जाता। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति, कृष्ण जो इच्छा करे, जोग माया समस्त इच्छाओं को जोग माया ये पूरी करती है। इसलिए जोग माया ने कंस को प्रेरण किया, कंस ने एक तृणावर्त दैत्य को भेज दिया। इतने में तृणावर्त आंधी तूफान रूप में, जैसे कुछ दिन पहले फैनिया आ गई थी, यहाँ पर फैनिया आई थी ना, कहते थे फैनिया आई थी। इसलिए कुछ दिन पहले जैसे फैनी आया था, इसे फैनी आ गया है, गोकुल में फैनी आ गया और आ करके पूरा ऐसे घुमाते घुमाते आ गया। इतने में कृष्ण ऊपर में देखा, बोले मामा जी आ गए हैं, और एक मामा आ गए। पहले तो एक मामा आया था हैं, सकड़ा सुर, और एक मामा आया, क्यों कंस ने भेजा ना, इसलिए मामा का दोस्त तो मामा है, दूसरा मामा भी आए। लेकिन ये क्या करेगा, अभी तो मेरे को ऊपर उड़ा कर ले जाएगा और मैं तो उड़ करके घूम लूंगा, लेकिन मैया क्या करेगी। इसलिए कृष्ण इतने भोजन बढ़ा दी, जैसे पत्थर की जैसे चट्टान, इतना भोजन बढ़ा दी एकदम पत्थर की चट्टान जैसे। मैया ने देखा ये क्या हो गया, लाला इतना भोजन कैसे बन गया। मैया गोद में रख नहीं पाई, उन्होंने लेटा दी। जब लेटा दी इतने में आया फनी है, फनी आकर क्या किया उसने, फनी आकर के पूरा उन्होंने आकाश घुमाते 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 उन्होंने कृष्ण को पकड़ा, तृणावर्तनी पकड़ करके पूरा आकाश में उड़ा करके ले गया। जो उड़ा करके ले गया इतने में कृष्ण पूरा ब्रज मंडल घूम गया। इच्छा उतना प्लेन में घूमेंगे, उन्होंने पूरा प्लेन में, पूरा आकाश में प्लेन में घूम दिया। जब प्लेन में घूमता है कृष्ण को लैंडिंग करना पड़ेगा, अभी लैंडिंग कैसे करेंगे कृष्ण। इसलिए बच्चों का स्वभाव क्या स्वभाव है, बच्चे को थोड़ी दूर तक अगर फेंको ना बच्चा तो खुश होता है, अगर बच्चों को ज्यादा ऊंचा अगर फेंक दिया तो क्या होगा, वो डर जाता है। इसमें डर करके उन्होंने उसकी गला को उन्होंने दबा दी, ऐसे गला को दबाया उसका गला घुट गया, फिर तो उन्होंने धड़ांग करके गिरा और एकदम चकनाचूर हो गया और कृष्ण उसको ऊपर में आ गए। थोड़ी देर बाद में मैया ने जब देखा कृष्ण को तो यहीं पर लेटा था, आंधी तूफान में तो कुछ दिख नहीं रहा था, नहीं गया कैसे कहां। जैसे एक माँ से बछड़े को दूर करने पर जैसे गैया हाँ बिलकने लग जाती है, ऐसे ही तो मैया जसोदा ब्रज गोपी रोने लग गए, हमारा लाला कहाँ गया, हमारे लाला कहाँ गया। इतने में थोड़ी देरी बाद में उन्होंने देखा कृष्ण दूर में पड़े हुए हैं, कृष्ण दूर में पड़े हुए हैं कृष्ण। फिर मैया ने भागते हुए गए जाकर कृष्ण को गोद में उठा ली, फिर उनका स्तन पान कराया। यहाँ पर कहते हैं कभी कभी साधकों का जीवन में भी कभी कभी ये क्या होता है, ये तृणावर्त कभी दैत्य आ जाता है, हैं? तृणावर्त दैत्य आ जाता है कभी कभी। मतलब है जब हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि कहते भक्ति मार्ग ही है कोटि कंटक रुथम, भक्ति मार्ग में बड़ी बड़ी आंधी तूफान आती है, भक्ति मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं,
ये भक्ति मार्ग में। इसलिए जब कोई बाधाएं आए, इसलिए वहां पर श्लोक में बताया, बोले जैसे थोड़ी समय के लिए आंधी तूफान, कितना समय के लिए थी, ज्यादा समय नहीं था, थोड़ी समय था, उसके बाद में फिर शांत हो गया। इसलिए साधन भजन में भी कभी कभी विपत्ति थोड़ी समय के लिए आता है, भगवान कभी कभी थोड़ी मोड़ी बहुत भगवान कभी कभी परीक्षा ले जाते हैं। इसलिए उसमें विचलित नहीं हो करके मन को शांत रखते हुए क्या करनी चाहिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्ण ऐसे बचपन में ये सुंदर सुंदर लीलाओं को कृष्ण बचपन में कर रहे थे। अभी मैया जसोदा बहुत डरा, बोले क्यों डरी हुई, बोले मेरे लाला तो कुछ किया ही नहीं, ये दैत्य लोग बिना कारण के मेरे लाला को पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े, वो पीछे क्यों पड़ गए। इतने मैया जसोदा पहले पुतना आ गई, सगड़ासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, जब बीच में एक काकतुआ नाम के दैत्य भी आ गया था, कृष्ण को कौवा रूप में मारने के लिए आ गया था, हैं? यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी जितना हो सके वर्णन किया, बीच में और भी बहुत सारे दैत्य बीच में आते रहे। इसलिए मैया जसोदा घबरा हुई, मेरे लला के पीछे क्या हो रहा है, क्या क्यों अनमनी हो रहा है, लेकिन ये नारायण क्या कृपा से मेरे लला बचते जा रहा है। बड़ा डरी हुई थी। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को स्तनपान करा देती, हर माताओं को बता है मेरा बच्चा कितने दूध पीने से उसका पेट भर जाता, हर माता ये बात को सब जानती है, लेकिन आज कृष्ण इतने दूध पी रहे थे उनको दूध पीना बंद ही नहीं हो रहा था। मैया डरी हुई, बोले क्यों, अगर बच्चा है ना, दूध में माता जी का जो स्तन जो दूध है बड़ा तेज है, हाँ, बड़ा तेज, इसलिए उसमें बड़ा भारी पड़े हैं, अगर बच्चा ज्यादा दूध अगर लिमिट से ज्यादा पी ले बच्चा का पेटा पतला हो जाता है। इसलिए मैया सोच रही है आज क्या हो गया, लाला तो थोड़ी दूध पीने से थोड़ी देर बाद में फिर दूध अपने आप पेट भर जाएगा, फिर क्या होता है, फिर अपने आप दूध पीना बंद कर देता है, लेकिन यहाँ दूध पीते ही जा रहा है, आज तो लाला दूध पीना बंद नहीं हो रहा है। मैया तो डर गई लाला का पेट खराब नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी जम्भाई लिया, हैं जम्भाई हाई अरे जम्भाई, जब उन्होंने थोड़ी सी जम्भाई लिए तो इतने में इतने छोटी सी मुंह में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया। मैया देख कर तो ये क्या है, विश्व ब्रह्मांड मेरे लाला का मुंह में, ये क्या देख रहा हूँ, मेरे आंखों में तो कोई उल्टा पुल्टा नहीं हो गया, मैं तो कोई अलाई बलाई देख नहीं रही हूँ। देख करके मैया तो एकदम डर गई, आंख बंद कर दी, मेरे लाला को क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद में देखती है ना, अरे कुछ नहीं, कहते कृष्ण ये क्यों किया, कहते इसमें दो कारण बताए, बोले पहला कारण बताए, मैया जो डरी हुई है, हैं, मेरे लाला को पीछे सब दैत्य लोग पीछे इनके पड़ गए, इसलिए कृष्ण कह रहे, बोले मैया तू डर रही हो, तू ये सोच रही हो मेरे लाला के ऊपर में राक्षस लोग आकर पता नहीं क्या कुछ करने ही ले। बोले मैया कोई चिंता मत करो, देख मैया मैं कौन हूँ, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, इसलिए कोई चिंता की कोई बात मत करो, हैं, सारा दुनिया का मालिक मैं हूँ। दूसरा कारण बताए, कृष्ण जो स्तन पान कर रहे थे, मैया डर रही थी लाला का पेट खराब नहीं हो जाए। बोले मैया तू सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेला पीता हूँ, नहीं मैया देख ले तेरे दूध से तो ये विश्व ब्रह्मांड पल रहा है, तेरे दूध को मैं अकेला पी नहीं रहा हूँ। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, जब कृष्ण धीरे कृष्ण बड़े हुए, अभी कृष्ण चलना शुरू किए। अब देखना बच्चे जब चलना शुरू कर जाता है ना, थोड़ा घुटन पर चलते हुए थोड़ा चलना इतना चंचल हो जाता है ना, कोई चीज देखे आप देखे पकड़ना जाते हैं, तलवार देखे पकड़ना जाते हैं,
कोई सांप देख ले उसको भी जाकर पकड़ना चाहते हैं। बच्चे उसमें बड़ा चंचल होते हैं, उसमें मैया को ना चैन नहीं रहती है, इसलिए इतने चंचल एक एक बालक नहीं, कितने बालक है? दो, कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम, बलराम कितना दिन कृष्ण से बड़े बोलो? 15 दिन। बलदेव प्रभु कृष्ण से 15 दिन बड़े। 15 दिन के बाद में कृष्ण जन्म हुए। अभी दोनों बालक बराबर के, इतने चंचल, इतने चंचल। मैया जसोदा रोहिणी काम नहीं कर पाती हैं। रोहिणी अगर कृष्ण बलराम को संभाले तो जाकर के फिर मैया जसोदा काम करती हैं। जब मैया जसोदा कृष्ण बालक को संभालती हैं, रोहिणी जाकर घर का काम करती। इतने चंचल है। एक दिन जैसे घर में बाढ़ होता है ना, बाढ़ देते हैं, एक समय बाढ़ में जैसे लताएं चढ़ी रहती हैं, अब कांटा का बाढ़ दिया हुआ, कृष्ण बलराम ने देखा बड़े सुंदर सुंदर नील लाल हल्दी बड़े सुंदर सुंदर उसमें फूल है, और कृष्ण बलराम तो अंदर में घुस गए। जा करके वो फूल को तोड़ने के लिए गए, सुंदर सुंदर फूल देख करके उन्होंने फूल को तोड़ लिया, लेकिन अभी निकलना जब चाह रहे ना, चारों तरफ कांटा ही कांटा, और निकल नहीं पा रहे। फूल का देख करके तो आवेश में तो घुस गए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे। जब निकल नहीं पाई, इतने में कृष्ण बलराम करके रोने लग गए, बोले मैया मैया। अरे कहाँ कहाँ से रोने की आवाज आ रहा है? देखा दोनों बच्चे फंसे हुए, मैया वहां से निकाल करके आती। एक समय गांव में कुआ होता है, पहले तो ट्यूबवेल था नहीं, गांव में कुआ होता था। एक दिन अब कुआ में देखना, कुआ होता है दोनों ऐसे खंबा, उसमें के लोहे के ये लग रहा था, बीच में के चक्का होता है, और उसमें रस्सी को डाल देते हैं, और उसमें ऑलरेडी एक बाल्टी उसमें नहीं तो कोई पात्र रहता है, जो जाता है उससे पानी निकालता है और अपना पात्र में डाल करके लाते हैं। इतने में कृष्ण बलराम गए और उन्होंने वो रस्सी को निकाल दिया वहां से, निकाल करके उस समय तो बाल्टी था खाली, और दोनों बच्चों ने क्या किया, और खाली तो धीरे 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 रस्सी को छोड़ने लग गए, और रस्सी को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते नीचे गया, और बाल्टी भर गया पानी। पानी जब भर गया तो कृष्ण बलराम छोटे दोनों अभी कोशिश करते हैं उसको निकालने के लिए, और निकाल नहीं पाते, उसको निकाल नहीं पाते। ऐसे दोनों भैया पकड़ कर खड़े हैं, और बाल्टी उठता नहीं उनको तरह है, कल से बाल्टी उठ नहीं रहा है। फिर तो कृष्ण बलराम रोना शुरू कर देते, बोले मैया मैया, रोना शुरू कर देते। फिर मैया आकर के फिर दोनों बच्चों को वहां से लेकर के जाती हैं। ऐसे ही कृष्ण बलराम बचपन में बड़े नटखट कर रहे थे। अभी श्री वसुदेव महाराज वहीं से मथुरा से वो खबर ले रहे थे कि ये कृष्ण बलराम कितने बड़े हो गए हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहां से खबर ले रहे थे। अभी वो सोच रहे हैं ये बच्चों का कोई नामकरण हो जाए, क्योंकि अब देखना घर में बच्चों को अब देना क्या नाम से, छोटू मोटू, मोटू होगा तो मोटू छोटू, और ऐसे ऐसे नाम से पुकारते हैं, जिसका मन में जो आ जाए ऐसे ऐसे नाम से गांव में से पुकारते हैं। लेकिन इसलिए वसुदेव महाराज सोच रहे हैं अगर नंद बाबा अगर उनका नामकरण करवाएंगे, एक बार नाम होता है, दो बार तो होता ही नहीं, और जो नाम हो जाता है बच्चों को उसी नाम से ही जिंदगी भर पुकारते हैं। लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोच रहे हैं, लाला तो मेरा है, ये दोनों ही बेटा मेरा है, कृष्ण बलराम मेरे दोनों बेटे हैं, लेकिन ये जाकर के बचपन में पल रहे हैं। लेकिन नंद बाबा क्या सोच रहे हैं, लाला मेरा है, लाला मेरा है। अभी वसुदेव महाराज सोच रहे हैं अगर नंद बाबा बच्चों का नामकरण करवा दिया फिर तो बच्चों का नाम जिंदगी भर उसी नाम से पुकाराएंगे। लेकिन गर्गाचार्य को अगर हम भेजेंगे, ये गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा, और बच्चों का नाम को कौन सा मेरे नाम के साथ में जोड़ करके कोई नाम रखे जिससे पता चले कृष्ण मेरा भी बेटा है, कृष्ण मेरा भी बेटा है। एक दिन उन्होंने श्री वसुदेव को श्री गर्गाचार्य को बुलाए, बोले गर्गाचार्य जी आपको पता है ये कृष्ण बलराम मेरा बेटा है, लेकिन मैंने वहां रातारात कृष्ण को छोड़ करके आया, लेकिन ये रहस्य नंद बाबा नहीं जानते, इसलिए आप दया करके जाओ
और बच्चों का ऐसे नामकरण करियो जो नाम मेरे नाम से मिलता जुलता हुआ हो, हैं? इसलिए क्यों कारण है, पहले जब नाम रखते थे उसका बहुत कुछ नियम है, कृदंत होनी चाहिए, कितना अक्षर में होनी चाहिए और वो नाम कैसे होनी चाहिए, पिताजी को पिताजी का नाम जुड़ी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे नियम होता था। ऐसे नहीं अभी जैसे टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी रिंकी झिंकी जो कुछ नाम आए ना, हाँ बच्चों का नाम रखवा, इसे नियम नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपना खानदान को ही रखा करता है, हैं? खानदान को ही रखा करता है और पिंड भी वही देता है बच्चा, इसलिए और बच्चे का नाम पर उसको पिता और उसको पिता दोनों का पिता का नाम होनी चाहिए, ये सब नाम होता था। जैसे राम, राम जी का पिताजी का नाम क्या था,